Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10th geometry, lesson number 7 mensuration, practice set 7.4 part 2. इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने पार्ट 1 एंड बेसिक पार्ट किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहले आप लोग पार्ट 1 एंड बेसिक पार्ट जरूर देखिए। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, अब हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए क्या दिया है। इन द फिगर 7.46 में इफ ओ इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल है, पी क्यू इज अ कॉर्ड, पी क्यू क्या है कॉर्ड है, पी ओ क्यू 90 डिग्री है, ये कितना दिया गया है 90 डिग्री दी गई है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज अ 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो शेडेड रीजन का जो दिया गया एरिया ये क्या है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमको इसका रेडियस फाइंड करनी है। इसके पहले क्या दिया रहता था, एंगल दिया रहता था, रेडियस दिया रहता था, हमको सेगमेंट ये एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना रहता था। यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट दिया गया है और एंगल दिया गया है, थीटा दी गई है, हमको आर फाइंड करनी है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इतना दिया गया है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट, हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट का नाम क्या है पी आर क्यू जो हो जाएगा ये भी हमारा होगा 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया गया है, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेजर ऑफ आर्क पी आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू, फॉर्मूला हमारा क्या होता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन 90 बाय 2, यही फॉर्मूला है। इसको वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर जाएगा 114, आर स्क्वायर हमको फाइंड करना है, पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 इंटू थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन 360 माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करो, 114 इक्वल टू आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर दो, 1/4 तो हो जाएगा 3.14 अपॉन 4 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करो, 114 इक्वल टू आर स्क्वायर ये हो जाएगा 3.14 अपॉन 4 माइनस, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोग डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, सो दैट ये हो जाएगा 114 इक्वल टू आर स्क्वायर यहाँ पे आएगा 3.14 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 114 इक्वल टू आर स्क्वायर यहाँ पे आएगा 3.14 माइनस 2, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो दोनों का एक साथ में लिख सकते हैं, सो दैट 114 आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 3.14 में 2 माइनस करोगे तो हो जाएगा 1.14 अपॉन 4, 114 आर स्क्वायर इंटू 1.14 अपॉन 4। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 1.14
ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। कैलकुलेशन करना है आर स्क्वायर लिख 114 इंटू 4 अपॉन 1.14, ये कितने बार में कैंसिल होगा, 100 टाइम्स में, सो दैट आर स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 4, सो दैट आर स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, r इक्वल टू स्क्वायर रूट में 400, सो दैट r की वैल्यू आ जाएगी 20। ये तुमको फाइंड करना था द रेडियस ऑफ द सर्कल, यहाँ पे आंसर लिख लो, क्या आएगा आंसर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। सो अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया, देखो अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एज वेल एज द मेजर सेगमेंट। हमको इसमें मेजर और माइनर सेगमेंट दोनों फाइंड करना है। हम यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू कहाँ पे आ जाएगा, पी एंड क्यू विद सर्कल ऑफ अ रेडियस 15 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दिया गया है, और एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, एंगल 60 डिग्री दिया। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एज वेल एज द मेजर सेगमेंट, हमको इसका भी फाइंड करना है और ये मेजर सेगमेंट का भी फाइंड करना है। अभी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको नाम दे देते हैं, ये सेंटर ओ हो जाएगा, ये सेगमेंट का नाम पी एम क्यू कर दो और ये सेगमेंट का नाम पी एन क्यू कर दो। अब क्या क्या दिया गया हमको वो लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। अब उसके बाद एंगल दिया गया है, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, मेजर ऑफ आर्क पी एम क्यू इक्वल टू थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या निकलते हैं, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज पी एम क्यू, सो दैट एरिया ऑफ सेगमेंट पी एम क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। आर कितना दिया हमारे पास, 15 का स्क्वायर पाई दिया है 3.14, थीटा दी गई है 60 अपॉन 360 माइनस साइन 60 अपॉन 2, तो ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा 1/6, तो 15 का स्क्वायर कितना आता है 225, यहाँ पे आएगा 3.14/6 साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2/2, ये 2 से यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 225 3.14/6 माइनस √3/4। अब इसका एलसीएम निकाल दो, हो जाएगा 225, एलसीएम कितना निकलेगा इसका 12, और ये हो जाएगा 3.14/6 माइनस √3 में की वैल्यू कितनी है 1.73/4, दोनों में क्या करो 12 से मल्टीप्लाई कर दो,
12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में और ये कैंसिल होगा 3 टाइम में, 225। यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा, 3.14 इंटू 2 अपॉन में 12 और यहाँ पे हो जाएगा 1.73 इंटू 3, यही होगा। तो ये हो जाएगा 225, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6.28 माइनस 3 3 9, 3 7 21, 5.19 अपॉन 12 हो जाएगा 225, 1.09 अपॉन 12। तो अभी इसको लिख सकते हैं 225 इंटू 1.09 अपॉन 12। अब सबसे पहले 225 में 1.09 का मल्टीप्लाई कर दो, 245.25। अब इसको डिवाइड करना, तो हो जाएगा 20.4375। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 3.14 और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, हो जाएगा 3.14 इंटू 225। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 706.5 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो आया है 20.44। अब इसको माइनस करोगे 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा मेजर सेगमेंट होगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग ने माइनर सेगमेंट निकाले, माइनर सेगमेंट निकालने के बाद एरिया ऑफ सर्कल निकाला, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के बाद एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट को एरिया ऑफ सर्कल में से निकाल दोगे तो हो जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 7.4 खत्म हुआ।